अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारा जो व्लॉग है वो ये है कि मैं जा रही हूँ बाज़ार, ठीक है जी। मुझे लेना है अपना ईद का सूट और उसके साथ और कुछ चीज़ें भी लेनी है, तो मुझे बाहर से आवाज़ आ गई है तो मैं जा रही हूँ। तो अब हम लोग जो है ना भगवानपुरा आ गए थे। भगवानपुरा का पता होगा लाहौरियों को, ठीक है जी। बाज़ार है, बहुत बड़ा है और बहुत जो है ना फेमस भी है, क्योंकि इतना रश होता है और हर चीज़ आपको जो है ना यहाँ से मिल जाएगी और आप एक दिन में ये पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पा सकते। तो बस जी यहाँ पर अब हम एंटर हो रहे हैं और एंटर होने के बाद जो है ना बाइक लगाएंगे पार्किंग में, क्योंकि पार्किंग के बगैर बाइक नहीं हम लोग खड़ी कर सकते। इसके बाद ना मैंने एक फ़्रॉक ली थी जो मैंने ईद के लिए ली थी अलकरम से। मुझे ना उसके लिए उसकी शलवार लेनी थी, उसका ट्राउज़र, तो मैं उसका कपड़ा ढूंढने आई थी। और अलकरम के साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत कह लें कि एवरेज रहा, क्योंकि उनकी जो शर्ट थी वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू थी, जिसकी वजह से जो है ना मुझे उसके साथ शमीज़ भी लेनी थी। तो बस हम लोग जो है ना अभी ये बाज़ार ही आए हुए थे। मुझे शमीज़ लेनी थी, उसका ट्राउज़र लेना था और जो है ना लेसेस लेनी थी और मुझे एक जूता भी लेना था। तो बस यहाँ पे जो है ना अब हम जा रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई शॉप, और ये सारी मार्केट है, यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे मुझे इजीली जो है ना इसके ट्राउज़र की शलवार का मतलब सॉरी कपड़ा जो है ना वो मुझे बिल्कुल आराम से मिल गया था, मुझे बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ा था। अदरवाइज़ आप बाकी ब्रांड्स के अगर कपड़े ले लें ना तो फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं होते। तो ये एक चीज़ इनकी अच्छी है कि इनके साथ जो है ना शलवारें वगैरह लोकल मार्केट से मिल जाती हैं। उसके बाद जो है ना मुझे एक जूता लेना था, स्लिपर लेनी थी ईद के लिए ही। मैं यहाँ पे देख रही थी और फिर जो मैंने ली थी वो मैंने आपको भी दिखाई नहीं है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैंने ली थी। और हम लोग जो है ना एक प्रॉपर ईद का शॉपिंग हॉल बनाएंगे। इसके बाद जो है ना मैं जब घर आई तो आजकल मेरे पाँव इतने ज़्यादा स्वेल होने लग गए हैं ना लटकाने से, सफ़र करने से, तो ये जो है ना एक मसला चल रहा है मेरे साथ। उसके बाद जो है ना मैं पढ़ाने आ गई आकर नेक्स्ट डे, और पढ़ाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं छुट्टी जल्दी नहीं करती हूँ। जब मुझे लगे कि हाँ जी मुझे छुट्टी करनी चाहिए तब मैं करती हूँ। तो इसके बाद आप लोग फाई की बातें सुने। क्या है ये? ये बहुत ज्यादा जो है ना शरारती हो गया हुआ है, तो अपने बड़े पापा को अली कहता है और इसकी हरकतें ऐसी हैं कि ये बड़ा क्यूट लगता है। ये किसकी है? ये किसकी है? कौन से पापा? मैंने कहा आप लोग भी सुन लें। किसकी है? तो बस इसके साथ खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चलता कब ज्यादा टाइम हो जाता है। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने इफ्तारी बनानी थी, आ जाना था जी सिस्टर इन लॉ ने, और इस वजह से जो है ना हम लोगों को इफ्तारी वगैरह बनानी थी। तो इफ्तारी की तैयारी वगैरह कर रहे थे हम लोग, फ्राइज़ बना रहे थे और जो जो इफ्तारी में होता है वही सब होता है। आलू के पकोड़े होते हैं, अंडे के पकोड़े होते हैं, उसके बाद पकोड़े बनाते हैं और ये फ्राइज़ हो जाती हैं, टैंक, जामे चीरी, फ्रूट्स, खजूर, यही सब होता है इफ्तारी में और यही सब बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा ना प्यारा भी लगता है। तो बस जी अब हम यहाँ पे ये सब कुछ खा रहे थे। उसके बाद जो है ना चीज़ें फ्राई करने का टाइम था। अब हम सब ने जो है चीज़ें सारी फ्राई वगैरह की, ये देखें, और चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इफ्तारी तो मुझे लगता है कि वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो ये देखें जी फ्राइज़ वगैरह। और अब जो है ना रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, पता ही नहीं चला रमज़ान इतनी जल्दी जो है ख़त्म भी हो गया। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं और समझ नहीं होती हैं। और एक रमज़ान ही ऐसा होता है कि जो महीना जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, खुशियों वाला होता है, सब घर वाले आपस में बैठ कर इफ्तारी करते हैं, तो ये चीज़ बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इफ्तार वगैरह कर लिया था और मुझे बाद में याद आया कि मुझे जी अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना था, तो करने के बाद याद आया, लेकिन खैर याद तो आया था ना। उसके बाद जो है ना मैं जाकर थोड़ी देर सो गई थी, ये मैंने क्लिप बनाया था छोटा सा। और उसके बाद ना मुझे रात में जाना था डॉक्टर के पास, और मैंने कहा कि इसका भी थोड़ा सा क्लिप वगैरह मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये हमारे घर के पास है जी सोसाइटी हॉस्पिटल,
और मुझे यहाँ पे जाना था, डॉक्टर को चेक वगैरह करवाना था, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल सा व्लॉग था, ये मेरी कुछ रूटीन होती है। सो आई होप आपको आज का मेरा जो व्लॉग है ना वो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।